वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आपने मेरा ट्यूटोरियल देखा होगा कि मैंने ब्रॉस कैसे फिल किया है। नहीं देखा तो क्या कर रहे हैं, देख लीजिएगा। और ब्रॉस फिल करने के बाद मैं आपके सामने बहुत सुंदर सा एक आई मेकअप लाई हूँ, जो कि आप डे और नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, जो है आई मेकअप को। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लेती हूँ कंसीलर, जिससे कि मैं ब्रॉस को भी शार्प दिखा सकती हूँ और आईलिड को कंसील कर सकती हूँ। अंडर आई भी कंसील करना है, आईलिड भी कंसील करना है। अब इसके बाद इसको मैं स्पॉन्ज की हेल्प से डैब डैब करते हुए ब्लेंड कर लूंगी। उसको इस तरह से नहीं करना है कि वो प्रोडक्ट वहां से पुछ जाए या हट जाए, इस तरह से डैब डैब करके करना है। इसके बाद जो है आप इसको ट्रांसल्यूशेंट पाउडर, बनाना पाउडर या इस तरह का कोलेजन पाउडर है जैसे मेरे पास, जो भी है आपके पास वो आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से सेट कर लीजिए। सेट हो गया। जो है हमको अपना आई मेकअप करना है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट जो है वो नहीं लेना है। इसके लिए मैं ले रही हूँ NYB का इस तरह का ब्लिंकिंग आई शेडो और इसको जो है अपने आईज पे लगाना है। ये कलर भी आप देख रहे हैं, ये मिलिट्री ग्रीन टाइप का है। इसी से मैं क्रीज लाइन बनाऊंगी, इसी को लिट पे भी करूंगी। ये देखिए क्रीज लाइन भी मैंने इसी से बनाया है और इसको पूरे लिट पे भी करूंगी। थोड़ा कैमरा क्वालिटी आपको अगर अच्छी लग रही हो तो ज़रूर बताइएगा, पहले से देख सकते हैं आप। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। इसके लिए हम लेंगे ब्लेंडिंग के लिए ब्रश। ये देखिए हमने ब्लेंडिंग के लिए ब्रश लिया और के हाथों से इसको ब्लेंड कर लिया। अब जो है मेन वो इसी को हम लेके लोअर लैश लाइन पे भी स्मच कर लेंगे। इसी से अब देखिए इसको हम थोड़ा सा स्मच कर लेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा गोल्डन कलर। आप गोल्डन मिलाइए, कॉपर मिलाइए, मेरे पास देखिए ये कॉपर टाइप का गोल्डन है। ये इस तरह से हम इस पर थोड़ा सा ऊपर से लगाएंगे। पैट करना इसलिए फ्लैट ब्रश ही लेंगे। बिल्कुल बीचों बीच आईलिड पे। ये देखिए अब इसको हम
स्मच कर लेंगे, थोड़ा सा देखिए स्मोकी इफेक्ट आएगा। अब हम आईलाइनर लगाएंगे, सबसे भारी काम मुझे यही लगता है पूरे मेकअप में, मुझे आईलाइनर लगाना सबसे भारी लगता है। परफेक्टली लग जाए तो किस्मत की बात होती है। दरअसल मुझे बोलने में कोई वो नहीं है, मेरे थोड़ा रिंकल आई है अभी, नहीं है अभी से नहीं है कि आप कहेंगे एज फैक्टर है, काफ़ी दिन से है, ये है ही है मेरा, तो इस वजह से। और वो भी मुझे जो मेरा आईलैश है बस उसके ऊपर थोड़ा 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 ऊपर तक है, ये देखिए इस तरह से लगा लिया है। अब नीचे जो है आईलिट पे लोअर लैश लाइन पे लगाने के लिए काजल टाइट लाइन करेंगे। देख सकते हैं आप, ब्यूटीफुल सा ग्रीन आई मेकअप है ये, आप किसी भी ड्रेस पे कर सकते हो, अगर ग्रीन बॉर्डर या ग्रीन साड़ी है तो वाह वाह। मैंने पूरी आईज को नहीं किया है, सिर्फ आईलेट को स्मोकी किया है। तो इसके बाद जो है आप जानते हैं मस्कारा टाइम, वॉक फ्री ब्लू हेवन का वॉक फ्री मस्कारा। मैं शाशा नहीं करती हूँ, जजा नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभार अगर फिसल जाती तो अलग बात है, वो भी 100 में 1 बार। मैं कोई भी जजा या जुजू वाला काम नहीं करती हूँ। थोड़ा घर मेरा मान के चलिए कि रेनोवेशन होने के लिए है, हो जाएगा गर्मियों की छुट्टियों में, जब सब बच्चे आएंगे तभी हो पाएगा, तो समर वैकेशन पे ही आ पाएंगे, तो उस समय जो है मेरा घर रेनोवेशन हो जाएगा। उसके बाद मैं होम टूर का भी वीडियो बनाऊंगी, अपना घर है छोटा है लेकिन है अपना घर, तो मैं होम टूर का भी वीडियो बनाऊंगी, तब आपको दिखाऊंगी। और बीच में एक इंट्रोडक्शन में खुद भी मैं क्या करती हूँ, कौन कौन है मेरे फैमिली में, मेरे हस्बैंड कौन है क्या करते हैं, मेरे कितने बच्चे हैं, ये भी इंट्रोडक्शन भी बनाऊंगी, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद, अभी तुरंत नहीं सोचिएगा कि अभी तक बनाया नहीं। अब जो है आपके सामने आई मेकअप मेरा डन है, ये देखिए, बताइएगा कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे ऊपर हमें लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, जम भी रहा है। ये मिलिट्री ग्रीन टाइप का स्मोकी आई है, ग्रीन स्मोकी है इफेक्ट दे रहा है ये। आपका ग्रीन सूट हो, मिलता जुलता हो, ब्लैक सूट हो, ब्लैक ड्रेस हो, उस पर भी ये बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे हिट करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका, और अपने चैनल पे आपका दिल से स्वागत करती हूँ, ज़रूर देखा करिए। और मैं भी इच्छा रखती हूँ ग्रो होने के लिए, मैं भी अपना चैनल मेहनत करती हूँ, मुझे भी ग्रो होना है, आप लोग के बिना सपोर्ट के नहीं हो पाएगा, तो प्लीज़ सपोर्ट मी और मुझे भी ग्रो करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।